हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी साइंस क्लासेस में। आज हम देखिए आपका जो प्रीवियस सेट चल रहा था यानी 347WB, उसी का जो है नेक्स्ट पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या है, जो क्वेश्चन नंबर सिक्स था यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स का देखिए ए तक सॉल्व कर लिया था। आज हम जो इसका देखिए ऑप्शनल दे रखा है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी फ्लोन को हमें बनाना है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। देखिए यानी जैसे कि आप जानते हैं, यानी हम क्या है सिक्स का ए का और पार्ट जो दे रखा है अथवा वाला उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, सबसे पहले हम बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं आप N2Cl, दिस इज द बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड से हमें प्राप्त करना है देखिए फिनॉल, तो हम क्या करेंगे देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेंगे और इसके अंदर देखिए वाटर ऐड कर देंगे। वाटर ऐड करने के बाद हम इसको बार्म कर देंगे यानी गर्म कर देंगे, और जैसे हम इसको गर्म करेंगे, गर्म होने पर क्या है फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन में, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द फॉलोइंग, यानी फिनॉल की जो है इनके साथ जो है रिएक्शन हमें देनी है। पहला है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करानी है हमें फिनॉल के साथ। दिस इज द फिनॉल क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये बना लेता है। CHO CHO यानी हमने क्या है देखिए एक पैरा पर दूसरी मेट एक क्या देखिए ऑर्थो पर और दूसरी क्या है पैरा पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया है, यानी पैरा बेंजाल्डिहाइड और तो बेंजाल्डिहाइड यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, NaOH के साथ रिएक्शन दिखानी है हमें फिनोल की। प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ONa सोडियम फिनोक्साइड। इज फॉर्म प्लस H2O आल्सो रिलीज, यानी सोडियम फिनोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा और सोडियम और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है देखिए कंसंट्रेशन HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन दिखानी है। थर्ड OH फिनॉल, अगर ये क्या है रिएक्शन कर लेता है HNO3 यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 वो भी कंसंट्रेटेड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH NO2 O2N एंड NO2 यानी पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड।
देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स का ही बी पार्ट। व्हाट हैपन व्हेन गिव केमिकल इक्वेशन होता ओनली, यानी क्या होगा जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, का फर्स्ट है, यानी बेंजीन एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा सेमी कार्बाइड तो क्या बनेगा। देखिए बेंजीन एल्डिहाइड यानी C6H5CHO, इसे द बेंजीन एल्डिहाइड, या हम इसको रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। CHO और करके हम कह सकते हैं। देखिए जब ये रिएक्शन करेगा सेमी कार्बाइड के साथ, यानी NH2CO NH2SCl, और इसमें क्या है, हम इथाइल एसीटेट यानी CH3COONa की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद जो है बना लेते हैं, दिस इज अ बेंजीन रिंग CH NH NH2 O, यानी बेंजीन बेंजाइल डिहाइड सेमी कार्ब जोन, यानी बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन इज फॉर्म्ड। सेकंड इक्वेशन है, कीटोन रिएक्ट विद इथाइल इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी जब कीटोन जो है इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करता है, यानी एसीटोन ले लेते हैं हम CH3 CE डबल बॉन्ड O एंड CH3, दिस इज द एसीटोन। जब ये क्या है, देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल यानी OH CH2 CH2 OH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा CH3 CH3 O CH2 O CH2, यानी एसीटोन इथाइलिन ग्लाइकोल कैटल कैटल इज फॉर्म। देखिए इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर थर्ड, प्रोपोनन इज हीटेड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी प्रोपेनन को अगर हम हीट करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा। देखिए यानी प्रोपेनन CH3 CH3 O, दिस इज द प्रोपेनॉन, यानी कीटोन को हम गर्म करेंगे BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2CH3OH CH3 CO CH3। ये क्या है, देखिए 4 हाइड्रोक्सी
मिथाइल, पेंटेन नॉन टू इज फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, यानी RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, को अगर हम हीट कर देते हैं PCl5 के साथ हमने क्या CH3COOH यानी एसिटिक एसिड ले लिया है। अगर हम इसको PCl5 के साथ हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ ये POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl बनाता है। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, बेंजोएल्डिहाइड इज हीटेड विद NaOH। बेंजोएल्डिहाइड को अगर हम NaOH के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा, जैसे था बेंजोएल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल लेंगे CHO, तो ये बना लेगा देखिए NaOH के साथ अगर हम रिहीट कर देंगे तो हम इसको COOH यानी सोडियम बेन जोएट प्लस ये बना लेगी CH2OH यानी बेंजाइल अल्कोहल। इस तरह से क्या देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका भी पार्ट हमने पूरा कर दिया। अब है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द 3 जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड आल्सो द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमें क्या देखिए एल्डिहाइड के बनाने की कोई जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देने हैं, यानी और वाला क्वेश्चन एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देने। फर्स्ट मेथड अगर हम देखें तो अगर हम मीथेन यानी CH4 का ऑक्सीडेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ मोलिडेनियम तो ये बन जाएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस H2O, दिस इज द एल्डिहाइड यानी फॉर्मल्डिहाइड। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन देखेंगे, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करा दें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO इज फॉर्म्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम इसका क्या है देखिए ओजोनाइजेशन यानी करा देते हैं ओजोन के साथ रिएक्शन तो ये बना लेता है ओजोनाइड यानी CH2 एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे दो हम इसके नीचे की तरफ जोड़ देंगे दिस इज द ओजोनाइड। अगर हम इसका क्या है फिर से रिडक्शन करा देते हैं इस ओजोनाइड जो बना है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ PD यानी पैलेडियम और H2 तो ये ब्रेक हो जाता है इस तरह से टूट जाएगा और टूटने पर बना लेगा ये HCHO प्लस यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगी यानी ये बन गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड।
ये हमने क्या तीन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे। अब हम इनकी देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, पहला एल्डोल फिर कैनिजारो रिएक्शन। देखिए रिएक्शन देखें हम, फर्स्ट एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए इन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड यानी हम ले लेते हैं एसीटेल्डिहाइड CH3 CHO रिएक्ट विद द सेम मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड यानी HCH2CHO टू फॉर्म एल्डोल CH3 HOH CH2 CHO। दिस इज एल्डोल इज फॉर्म। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन इज द कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन यानी बेंजीन एल्डिहाइड C6H5CHO रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ NH HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म C6H5CH2OH प्लस SCOO Na सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, राइट द जनरल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 इन लेबोरेटरी। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देनी है कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना चाह रहे हैं लेबोरेटरी में, 7 का सेकंड पार्ट है, तो हम क्या करेंगे। देखिए Na2SO3 सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करा देंगे H2SO4 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए Na2SO4 प्लस H2O प्लस, इसी के साथ यहाँ पर क्या है देखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस रिलीज होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट, राइट डाउन टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज गिविंग केमिकल इक्वेशन, यानी ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देना है। अगर हम देखें फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी लेबोरेटरी मेथड, यानी C12H22O11 दिस इज अ सुक्रोज या कैन शुगर। अगर हम इसको क्या है देखिए वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इट इज़ कन्वर्टेड इन टू C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस ट्रैक्टोस यानी C6H12O6 आल्सो इज फॉर्म्ड। सेकेंड मेथड देखते हैं बाय स्टार्च यानी स्टार्च के द्वारा C6H10O5 के N मॉलिक्यूल ले गए हैं
और एन मॉलिक्यूल के वाटर के साथ ही इसकी रिएक्शन लगा देते हैं एच प्लस आयन की प्रेजेंस में, कन्वर्ट हो जाएगा ये, एन मॉलिक्यूल बनेंगे सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी ग्लूकोज। अब देखिए इसके बाद कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सीमीन, हाइड्रोक्सीमीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो है इसकी रिएक्शन देनी है हमें। पहले देख लेते हैं, देखिए हाइड्रोक्सी एमीन यानी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें रिएक्शन दिखानी है देखिए, यानी वहन ग्लूकोज यानी सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच का होल फॉर एंड सी एच ओ, दिस इज अ ग्लूकोज रिएक्ट विद एन एच टू ओ एच, तो ये कन्वर्ट हो जाता है देखिए सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच का होल फॉर एंड सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच प्लस माइनस एच टू, यहाँ से वाटर जो है रिलीज हो जाएगा, ये बन गया है ग्लूकोज ऑक्साइम। ग्लूकोज ऑक्साइम इज फॉर्म एनी वैन ग्लूकोज रिएक्ट विद एसेटिक एनहाइड्राइड, यानी सेकेंड इक्वेशन है एनहाइड्राइड यानी ग्लूकोज सी एच ओ सी एच ओ एच का होल फॉर सी एच टू ओ एच रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड यानी सी एच थ्री सी ओ का होल डॉइस ओ देन दिस इज कन्वर्टेड इन टू सी एच ओ सी एच सी डबल ओ एच सी एच थ्री का होल फोर एंड सी एच टू सी डबल ओ सी सी एच थ्री यानी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट इज फॉर्म्ड। और सेम ही रिएक्शन देखिए ये जो एसिटिल क्लोराइड होती है उसके साथ भी होगी, सी एच थ्री सी ओ सी एल के साथ भी जो है सेम रिएक्शन टेक प्लेस होगी। देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन दे रखा है राइट द मेन यूजेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो है हमें मेन यूजेज देना है। अगर हम देखें यूजेस देखिए ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ फूड फॉर प्रोटीन्स यानी देखिए ग्लूकोज का प्रयोग क्या करते हैं हम खाने के रूप में भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो है काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है। इट इज यूज्ड इन
प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स यानी फलों को ख़राब होने से बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए अभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी एज रॉ मटेरियल। और एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ये सभी क्या देखिए यूजेस थे ग्लूकोज के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, व्हाट आर विटामिन्स यानी विटामिन्स क्या हैं। देखिए विटामिन्स क्या हैं यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स विच विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज वाई एन ऑर्गेनिज्म एंड एंड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग सम ऑफ बॉडी प्रोसेस प्रोसेसेस आर कॉल्ड विटामिन। देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंथेसाइज यानी नहीं बन सकते, और जो क्या है देखिए कुछ ना कुछ बॉडी में रेगुलेट होते रहते हैं उन्हीं को हम विटामिन्स कहते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते और जो क्या है देखिए किसी प्रोसेस के थ्रू जो है रेगुलेट होते रहते हैं उन्हीं को हम विटामिन्स कहते हैं। राइट डाउन द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड नेम ऑफ इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ डिजीज कॉज बाई देम यानी फैट में सोल्यूबल होने वाले विटामिन्स की जो है फॉर्मूला लिखना है। अब देखिए विटामिन्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। फर्स्ट वन इज द फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए डी ई एंड के। एंड सेकेंड टाइप इज वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड सी। अगर हम देखें विटामिन जो ए है वो क्या है देखिए फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है देखिए इनके क्या है देखिए कौन कौन से रोग होते हैं फैट सोल्यूबल वाले से, उनके क्या क्या फॉर्मूलास हैं। जैसे कि अगर हम विटामिन ए देखते हैं विटामिन ए फैट सोल्यूबल पूछा है क्वेश्चन में, इनका देखिए फॉर्मूला देखें हम विटामिन ए का तो होता है C20H30 एंड O। इसका जो नेम है वो है रेटिनॉल रेटिनॉल
इनकी वजह से देखिए जो है बीमारी है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस। हो जाती है यानी आँखों का रोग इसमें हो जाता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी इसका फॉर्मूला होता है विटामिन डी का C28, H44 एंड O। इसका जो नाम है वो है कैल्सिफेरॉल। कैल्सी फेरॉल इसकी देखिए डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन डी की रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, यानी सूखे की बीमारी जिसमें हड्डियाँ जो है सूख जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन है देखिए विटामिन ई, विटामिन ई इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C29, H50O2। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोपरोल, टोकोफेरोल। इसकी बीमारी से इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी हो जाती है स्टेरिलिटी, यानी बांझपन की बीमारी है। नेक्स्ट जो फैट सोल्युबल विटामिन है वो है विटामिन के, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C31 H46 O2। इसका जो नाम होता है साइंटिफिक नेम होता है फाइलो Q9 Q9। इसकी जो बीमारी है यानी इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है हेमेरिया, हेमेरिया जिस यानी जैसे ब्रेन हेमरेज है उस तरह की बीमारियां जो है इससे हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो शेट था 347WB ये कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं भी ताकि और लोग भी देखिए हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकें। और देखिए आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स यू।